अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गुड बाय 22। तो चंद मिनट बाकी है, 2022 विदा होने वाला है और 2023 में हम कदम रखने वाले हैं। इस समय हम खड़े हैं वसई के चीमाजी अप्पाजी ग्राउंड में। यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में क्राउड यहाँ पर मौजूद है। और वसई विधायक और नाला सुपारा विधायक, बोईसर विधायक भी यहाँ मौजूद है। यहाँ लोग जमे हुए नए साल का स्वागत करने। नए साल 2023, पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव कैंसिल हुआ था। इस साल फिर वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव का आगाज हुआ 26 दिसंबर को और आज अंत है 31 दिसंबर को। साथ ही साथ अभी चंद मिनटों में यहाँ नए साल का जश्न मनाया जाने वाला है। 2 साल बाद उत्साह आप देख सकते हो, पब्लिक का उत्साह काफ़ी है। मैंने जैसा कहा, हजारों की तादाद में यहाँ मौजूद है पब्लिक, आप विजुअल्स में देख सकते हो साथ। और देखिए अब चंद मिनटों में ये पूरा जो जश्न है वो दिखाएंगे हम आपको। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। अजून 4 गाडी होणार आहे, 4 नाही कदाचित 10 पण होतील। उच्च कन्याडा येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। पुढच्या वर्षी 31 सुपाराला पण करायचं ना विरारला पण करायचं असं मला वाटतंय। हे फिस्पम नवीन जनरेशनला जर माहिती आहे, फिस्पम माहिती ना आपल्या सगळ्यांना, हँडशेक कोणाला सेकंड कोणालाच देऊ नका। वीस पंप सगळ्यांना करा, ते कोविड आता नवीन काहीतरी व्हेरियंट आलेला आहे। वीस पंप द्या, नमस्कार करा, मास्क घाला, काळजी घ्या, नाही तर आपल्याला पण ते चायना जपान सारखं लॉकडाऊन करायला लागेल। एवढाचीच इच्छा नाहीये, काळजी घ्या, एवढंच सांगतो। 2023 आपल्या सगळ्यांना नवीन वर्षाची शुभेच्छा। नवीन वर्षाची आपली आपल्याला शिकवून गेलं की आपली फिटनेस चांगली पाहिजे आणि फिटनेस साठी कला क्रीडा महोत्सव पाहिजे। त्यामुळे चांगला व्यायाम करा, चांगले खेळा आणि येणाऱ्या कुठल्याही वर्षी कुठलाही आजार झाला तरी त्याला टफ देण्यासाठी आपलं शरीर मजबूत करा। आपल्याला परत एकदा शुभेच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। सर्व वसईकर जनतेला नमस्कार। 2023 येणाऱ्या वर्षाच्या सर्वांना खूप मनापासून शुभेच्छा देतो। हे वर्ष सर्वांना आरोग्यदायी भरभराटी जावो आणि कोरोना मुक्त जावो। जसं आता दादाने सांगितलं, येणारा काळ याच्यामध्ये आपल्याला खूप काळजी घेतली पाहिजे। आपल्याला जर चेहऱ्याला तोंडाला मास्क लावायचं नसेल तर डिस्टन्सिंग सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं पाहिजे। आणि दादाने असं काहीलं काय सांगितलं ते करायला शिका, म्हणजे फक्त अंतर ठेवा आणि तरुण पिढीने भविष्यामध्ये ह्या इव्हेंटमध्ये सामील व्हा पुढच्या वर्षीपासून लगेच, एवढे जण मी सांगतो। आणि हा सगळा खूप करोड वसईला एन्जॉय करते आणि आपले आधारस्तंभ आपले लोकनेते अप्पा यांनी आपल्याला हा सगळा इव्हेंट एवढा मोठा गेल्या 33 वर्षापासून दिलेला आहे। आपण सगळेजण खूप एन्जॉय करतात, याच्या पुढे असंच एन्जॉय करत राहू एवढंच सांगतो। आणि पुन्हा एकदा नवीन वर्षाचा खूप शुभेच्छा तुम्हाला देतो, धन्यवाद। वसईच्या तमाम नागरिकांना या 2023 हार्दिक शुभेच्छा। या वर्षभरामध्ये तुम्हाला सुख समृद्धी ऐश्वर आणि चांगलं आरोग्य लाभो, ईश्वर चरणी प्रार्थना। आपण या वसईची एक शान आहोत, सर्व जाती धर्म
भेदभाव विसरून आपण एकत्र येतो आणि हा क्रीडा आणि कलेचा एक सण साजरा करतो। तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। आपले वसई तालुका कलाकडा महोत्सवाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब बोळ आज तब्येतीच्या कारणामुळे इथे उपस्थित नाही राहिले, तरी त्यांनी स्वतःहून निरोप पाठवले की माझ्यातर्फे शुभेच्छा द्या आणि त्यांच्यातर्फे पण तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि त्यांना पण तुम्ही प्रार्थना करा की लवकर बरे होऊन पुढच्या वर्षी इकडे स्वतः हजर होऊन तुम्हाला शुभेच्छा देऊ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चला स्टेज खाली करा, स्टेज खाली करा, गाणाऱ्यांच्या ताब्यात स्टेज द्या, गाणाऱ्यांच्या हातात स्टेज द्या, बाकी सगळ्यांच्या मी खाली करायचं। सबसे पहले नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। यहाँ पे वसई कला क्रीड़ा महोत्सव में जो बंदोबस्त हुआ है वो सबसे अच्छा हुआ है। कोई भी अब तक लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन निर्माण नहीं हुई है और अगले साल में भी सबका सहयोग हमें चाहिए, ऐसे ही हमें सहयोग करते रहिए। खास करके आज इस नवरात्रि पर यंगस्टर को कुछ आप आह्वान करना चाहेंगे कि क्या चीज़ नहीं करना है क्या? यंगस्टर्स ने मुझे तो मेरे हिसाब से तो स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, शराब वगैरह और जो ड्रग्स के इसके मामले में थोड़ा कम ध्यान दे और करे ही मत। इस समय हमारे साथ वसई विरार के पूर्व नगर सेवक हार्दिक राउत हैं, उनसे बात करते हैं। हार्दिक सर नमस्कार। आपके YouTube चैनल के सभी दर्शकों को नए 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोक नेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल, युवा आमदार क्षितिश ठाकुर, प्रथम महिला महापौर प्रवीणा ठाकुर और बोईसर के हमारे विधायक राजेश जी पाटिल की ओर से पूरी वसई विरार की तमाम जनता को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस समय हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर आपका नाम? डॉक्टर गिरीश भक्ता। डॉक्टर साहब कैसा महसूस हो रहा है आज 31st का तो मना रहे हैं, अभी नए साल में प्रवेश किए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3 साल से तो कुछ हो नहीं रहा था कि तीसरे साल में आज मैंने पहली बार यहाँ पे इतने फायरवर्क्स वगैरह देखे। लोग सिडनी हार्बर जाते, दुबई जाते, मैं तो कहूँगा कुछ बार वसई भी आ जाओ, यहाँ पे आके ये जो इतना अच्छा कला क्रीड़ा हो रहा है उसे भी देख लो। मैडम आपका नाम? डॉक्टर साइमा खान। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे आज के पूरे इस बहुत मजेदार बनाया हुआ है, फायरवर्क्स लाजवाब थे, पूरा कार्यक्रम बहुत मजेदार था। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जायदा खान हूँ, वर्तक कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैं यहाँ पे 1994 में कबड्डी में पार्टिसिपेट करती थी, मेरी बेटी पार्टिसिपेट करी है बॉक्सिंग में। यहाँ पे कला क्रीड़ा में हम लोग अभी नहीं बोलेंगे तो 20 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। और वसई में ऐसा कहीं पे भी, अभी बोरिवली से ये साइड में देखो तो वसई विरार में ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं होता है विदाउट टिकट्स, नथिंग, पूरी पब्लिक इंजॉय करती है, हज़ारों के ऊपर क्राउड रहता है एंड एवरी ईयर ऐसा होना चाहिए हर एक जगह पे। इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम। मेरा नाम हेमंत दिमते है, मैं हर साल यहाँ अटेंड करता हूँ और इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बम्बई में किधर नहीं होता होगा। और ये बहुजन विकास आघाड़ी का क्रेडिट है कि इतना बड़ा, अभी अभी क्षितिश जी ने बोला कि 150 कार्यकर्ता पूरा इतना बड़ा वसई किला कड़ा क्रीडा हैंडल करते हैं और ये प्रोग्राम मैनेज करते हैं। जय हो बहुजन विकास आघाड़ी। हाँ बोलिए सर। आपका नाम? जीवन रैना। नहीं क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम? आज का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा, आपको आनंद आया। वसई के सिवा ऐसा कहीं पे पॉसिबल है? नहीं, मुश्किल ही है, मैंने नहीं देखा कभी इतना जबरदस्त प्रोग्राम कहीं पे, बॉम्बे में भी नहीं देखा कभी। आपका नाम? मैं एक फौजी हूँ, मेरा नाम एक मिलिंद लाड़े है। मैं पिछले 33 साल से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और दिन पे दिन ये प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं और ये जो प्रोग्राम है, ये क्राउड है, ये एक सीख दे रही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब जाति के लोग सब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह ये त्यौहार मनाया जाता है। जय हो। आपका नाम? मेरा नाम जावेद खान। इधर प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा
ये प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगता है देख के। ऐसा वसई विरार में ऐसा किधर भी नहीं होता है जितना अपने इधर होता है ऐसा। नमस्कार, माझं नाव अंबादास संपत गोसावी। सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा। वसई विरार हे अतिशय चांगले शहर आहे, महानगरपालिका चांगली आहे, इथं फायर ब्रिगेड आहे, आपण पुण्यही आहे इथे। आपण अतिशय आपणचं चांगल्या पद्धतीचं काम आहे, पुढे अशीच प्रथा चालू राहावी ही मी देवाजवळ प्रार्थना करतो। आणि सर्वांना वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यातर्फे नागरिकांना शुभेच्छा देतो। थँक यू। पल्लवी, कैसा महसूस हो रहा है? आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है और ये टाइम का हम लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वसई विरार नाला सोपर है, ये ऐसा शहर है कि यहाँ पे बहुत प्यार मोहब्बत मिलती है और ये सेलिब्रेशन में हर एक लोग मतलब एक होते हैं, और जो ये टाइम और ये माहौल इसमें सब लोग सब भूल जाते हैं जो कुछ भी रहेगा, और ये एक होके सब ये माहौल का जो इंतजार आता है ना टाइम लेके, तो इसका इंजॉयमेंट लेते हैं सब, मतलब बहुत हैप्पी फील होता है। और एकता बोध है यहाँ पर, और ऐसे ही रहने चाहिए सब लोग मिलजुल के, सभी को, सभी धर्मों को और सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की नई शुरुआत एकता से, भाई बहन की मोहब्बतों से, अच्छे से, बाय बाय। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अफीसा। क्या कहना चाहेंगे, अभी कुछ ही मिनट बाकी है नए साल में पेश करने वाले, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत एक्साइटेड है, नए साल की शुरुआत होने वाली है, हम चेंबूर से आए हुए हैं यहाँ पे खास कर ये जश्न देखने के लिए, तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरे फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभाए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करना है आप? इधर मजा करने आया था। कौन कौन साथ में? मेरी माँ और मेरी मौसी साथ में। इससे पहले भी जश्न देखा है? नहीं, पहली बार आया हूँ। मेरा नाम कैफ नदाफ। बहुत बहुत अच्छा, आपको भी कुछ देर में साल नया साल होगा तो उसके लिए मुबारकबाद। बहुत, हम वसई में ही रहता हूँ। बहुत बहुत ठीक, आप कैसे हो? हाँ, बहुत 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 ज़्यादा नए साल को लेकर। व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।